तवा बोटी बनी है, तो आप लोग ये वीडियो देखने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नादियाज़ किचन एंड व्लॉग्स इन USA। टुडे वी आर गोना बी मेकिंग ए बकर ईद स्पेशल रेसिपी व्हिच इज कॉल्ड तवा बीफ पोटी। सो माय मॉम्स गोना बी टेलिंग यू गाइस द इंग्रेडिएंट्स। सो आज बकरा ईद स्पेशल मैं एक रेसिपी बना रही हूँ जो हमारे खानदानी है। हम लोग बनाते हम लोग बोलते हैं इसको थाले वाली बोटियाँ, पर इसको तवे में भी बना सकते हैं और हम लोग यूजुअली थाले में बनाते हैं। तो इसका अभी हम नाम रखेंगे तवा बोटी। तो मेरे पास है यहाँ पर एक कप दही पूरा फुल भरा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पे हाफ कप मेरे पास ऑयल है, पर पूरा नहीं डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा हम इसमें मसाले बनाऊंगी, आई मीन उसमें तवे में डालूंगी, तब मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी, तो थोड़ा सा भी डाला इसमें मैंने। सो यहाँ पर है हाफ टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन, और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई मिर्च, और यहाँ पर हाफ कप है मेरे पास लेमन जूस, और यहाँ पर है मेरे पास सब घर के मसाले, तो ये होममेड मसालों से बन रही है। सो यहाँ पर डाला मैंने 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच, इतनी स्पाइसी नहीं है। 2 चम्मच क्या? मिर्ची, ये साउथ मिर्ची, आई मीन चिली पाउडर, चिली पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर ये जो हमारे पास गोश्त है फिर इसको हम इसमें डाल के मैरिनेट करके करने के लिए 1-2 घंटे रख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 1-2 घंटे रखें, फौरन भी बना सकते हैं, जितना रखेंगे इतना अच्छा है, इतना फ्लेवर ज़्यादा। आप लोगों को लगेगा कि मिर्ची ज़्यादा है, पर मिर्ची इतनी स्पाइसी नहीं है। We like our food spicy, so if you think 2 tablespoons, I'm pretty sure you guys won't, but if you guys think it's a lot. हाथ से डालती हूँ तो? Yeah, salt to taste. Salt to taste, और 1 tablespoon है. Taste. बस मिर्ची अपने हिसाब से डाले, वी लाइक आवर फूड स्पाइसी, वेयर मेमन्स वी लाइक आवर फूड स्पाइसी। सो आप लोग देखते हैं मसाला मसाला से अच्छा सा हमने इसको मैरिनेट करा है। घर के मसालों का है, कोई हम लोगों ने कोई पैकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला इसमें। इंशाल्लाह बनेगी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। पहली दफ़ा बना रही हूँ। हाँ, पहली दफ़ा बना रही हूँ यूट्यूब के लिए, पहली दफ़ा बना रही हूँ। कोई नहीं, पूरी जिंदगी मॉम बनाती आई है बकरा ईद पर। बकरा ईद पर बनाने वी ऑलवेज ईट दिस। मेरी सास हमेशा बनाती थी मेरे शोहर के लिए। या इट्स लाइक अ ट्रेडिशन। और मेरे मायके में भी हमेशा, मैं बचपन से देख के आई हूँ, ये हमेशा बनी ही थाले में। ये दूसरी है, ये दूसरी है, वो बिहारी बोटी थी। ओह, डैड मेड समथिंग लास्ट ईयर, ये दूसरी है, इट वाज रियली गुड, वी हैड इट इन वेगस। मसाला लगा के 1-2 घंटे के लिए रख देंगे इसको। एंड इफ यू आर इन अ रश यू डोंट हैव टू, अगेन यू कैन जस्ट फ्राई देम और व्हाट डू यू डू। यस, अब इसको आप हम लोग रख देते हैं 1 घंटा मसाला लगा के, क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं है हमारे घर में, सब सो रहे हैं, लाइक या सो वी आर जस्ट गोना लेट दिस मैरिनेट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड देन वी विल बी राइट बैक आफ्टर इट्स डन मैरिनेटिंग। तो यहाँ पर हमारी बोटी पर मसाले रख चुके हैं मसाला से, सो वी कैन फ्लिप करेंगे दोबारा। ओके, पानी हो गया जन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे पास तवा भी है, पर हमने डिसाइड किया तवा बहुत छोटा है, तो इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान से नया बड़ा मंगवाऊंगी तो उसमें फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान कब जा रही है? मंगवाऊंगी बोला, जाने का नहीं बोला, पूरी बात सुनो, मंगवाऊंगी इंशाल्लाह। ये तो मैं भी बना सकती हूँ, टू इजी, क्विक इजी सिंपल रेसिपी है, तो मैं भी बना सकती हूँ। अगर बकरा ईद पे इंसान के घर पे गोश्त कट रहा है और लोग आ रहे हैं और बहुत जल्दी है बनाने की, तो स्पीड से, पर बोटियां छोटी रखनी है तो फॉर्म करेगी। इसमें हमने पपाया वगैरह कुछ भी नहीं डाले। ओ हाँ, कच्चा पपाया, कच्चा पपाया अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून मर्जी है। तो इसको हम फुल रखेंगे अभी, ताकि इसमें थोड़ा सा जूस वगैरह आए, थोड़ी सी
सीजनिंग हो। क्विक इजी रेसिपी, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी चला के डालेंगे, इसी थाली में डाल देते हैं पानी, देख सकते हैं आप लोग आधा कप है, पर अभी नहीं डालूंगी मैं, अभी थोड़ा सा इनको फुल चूल्हे पर करने दूंगी, फिर इसको फ्लिप ओवर करूंगी, इसके बाद डाल के इसको मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे। जैसे हम फ्राइड राइस की तैयारी करते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इसमें दही का और नींबू का सब पानी ये निकला है सारा, जो हमने पानी बनाया था ये भी हमारे पास है यहाँ पर, तो अभी तक तो हमारे को ज़रूरत पेश नहीं है कि हम इसमें पानी डालें। फुल चूल्हे पर रखा हुआ हमारा, फिर 5 मिनट तक हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम मीडियम रखेंगे तक हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, तो दही भी है लेमन भी है तो गोश्त कड़क नहीं हो जाए, थोड़ा सा मीडियम कर देते। तो यहाँ पर हमारा पानी थोड़ा थोड़ा गल चला गया था, मसाले बन जाए, तो अब हमारे पास थाली में पानी है, उसको डालते हैं, खुशबू कैसी निकली है? अच्छी खुशबू निकली है ना? स्मेल नाइस, अब इसको हम डल डल देते हैं, यस देन इसको कर देते हैं हम मीडियम चूल्हा, क्योंकि ये पकेगा हल्के चूल्हे तभी गोश्त गलेगा हमारे, फुल नहीं रखना क्योंकि लेमन भी है और दही भी है तो गोश्त हमारा कड़क हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के होगा, तो अब हम थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखा देंगे प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से हो गया, रोटियाँ बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है माशाल्लाह से, और पानी भी है इसमें अभी तक, तब एक घंटा और ये पकेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से गल जाएगा गोश्त। सो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे से हो चुका है हमारा गोश्त, लाजवाब माशाल्लाह से, अब देखते हैं हम लोग हमारा गोश्त गला है कि नहीं। एक सेकंड, टूथपिक हाँ गल चुका है हमारा गोश्त, बहुत अच्छे से गल चुका है, नमक और मिक्स खाइए, नमक थोड़ा कम लग रहा है, लेमन हमारे को थोड़ा कम लग रहा है, तो जो हमारा बचा हुआ लेमन है थोड़ा डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा, मिक्स इट वेल, और ये जो पानी बचा है इसको हम फुल चूल्हे पे इसको अब हम जला लेंगे, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका लास्ट लुक कैसा है। हमारी तवा बोटी तैयार है, थाले बोटी तवा बोटी जो बोले, हम लोग बनाए थे थाले वाली बोटियाँ, याद है ना आपका, हमारे घर पे बनती थी और मैके में भी और ससुराल में भी, पर हमारे पास तवा था पर वो बड़ा नहीं था, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से मंगवाएंगे तो एक दफ़ा उसमें थाले में भी बना के दिखाएंगे, तो उस प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं हम। सो यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए, पर लगा दिया टेबल पे खाना, अब आप खा के बताएं कैसे बन गया। ओ यम यम यम, मैं क्या कहूं, जरूर जरूर यहाँ पे लेकर आए जैन बर्गर किंग के हलापिनो पॉपर्स, और ये बच्चों के फ्राइड राइस, और ये ब्रेड कैरी के साथ, कैरी के साथ, अब खा कर बताएं कैसे बन गया। यम बोल दिया, यम बन गया, चलो सही है, यहाँ पे अप्रूव है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, स्पेशल कच्ची कैरी अमेरिका में कच्ची केरी आई है, अभी हम तोड़ कर आए, छोटी छोटी छोटे छोटे से मलबे बोलते हैं हम इसको, एकदम हम पेड़ भी दिखाएंगे जाकर, पेड़ सीक्रेट नहीं है, एड्रेस सीक्रेट है जो हमारे को बोलती है आके तोड़ लो। सो आप लोगों को ये हमारी डिश कैसी लगी,
मैंने बनाई फिर से. तो लाइक कमेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब. टर्न द पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन. जैन कुछ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फॉलो मी एट टिकटॉक 0413. ये अपनी अपना ही करा दे रहा है टिकटॉक पे लगा हुआ फेमस करा दे रहा है. वेल यू गाइस हर्ड हिम गो फॉलो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी.